जय हिंद दोस्तों। तो बघौच बाज़ार का यही वो मोड़ है, नहर है, आप देख सकते हैं साइड में, यहाँ पर पीछे साइड में नहर है जो कि सारण नहर है। यहाँ पे आपको भुजा भी एक फेमस है, जब शाम के आते हैं सभी लोग खाने के लिए, बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग खाने के लिए आते हैं। और जो पीछे जो आप देख रहे हैं जो मछली मार्केट, स्पेशली यहाँ पे केवल मछली और कोई दुकान आपको नहीं मिलेगा। और आपको यहाँ पे पीछे एक दिख रहे हैं, यहाँ पे जो रामफल है, रामफल भाई थोड़ा इधर कैमरा में देखो तो मछली अभी बेचते हैं, समझ रहे ना। और भुजा वाले चाउमीन, बस यही तीन चार दुकानें हैं, मगर सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंज्यूमिंग है फिश का। यहाँ पर फिश मतलब गोपालगंज से जो ऑफिसर ग्रेड है उनको, वो भी यहाँ पे आते हैं मछली खरीदने के लिए, आप समझ रहे हैं ना। तो मछली यहाँ पे आपको सबसे सस्ता यही भी मिलता है गोपालगंज का भी, मतलब जहाँ पे एक और फेमस गोपालगंज में जगह है तो वहाँ पे थोड़ा सा महंगा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे लोकल एरिया है। तो आप लोग यहाँ पर आइएगा तो आप लोग को सबसे सस्ता मछली मिलता है, समझ रहे हैं ना। मतलब हमारे हिसाब से, हम जहाँ तक देखा हूँ, 10 रुपये आपको डाउन मिलेगा, और होलसेल में लीजिएगा 10-20 किलो तो मतलब आपस में ही डिवाइड एंड रूल कर लेते हैं और रेट कम कर देंगे आप लोग, समझ रहे ना। तो देख रहे हैं सभी लोग ये मछली वाले हैं। तो पूरा आप लोगों को मैं वीडियो दिखा रहा हूँ कि पोखरा में कैसे लोडिंग होता है और कैसे वो रिटेलर जो होते हैं उनको कैसे बेचा जाता है और कैसे यहाँ पे। अभी टाइम अभी आ रहा है, अभी टाइम हो रहा है, अभी बाज़ार पूरा अच्छे से नहीं लगा हुआ, अभी आएंगे कुछ लोग, बारिश का मौसम है तो थोड़ा लोग कम निकलेंगे। यहाँ पर इतना भीड़ रहता है कि आप यहाँ पर रास्ता पूरा जाम हो जाता है। यही वो बघौच मोड़ है, ठीक है ना, देख लिया आप लोग नहर, ठीक है, थैंक यू। किसी को लेना हो, अगर ऑर्डर करना होगा मछली किसी को, तो इस नंबर पे आप लोग ऑर्डर कर लीजिएगा, थैंक यू। अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये ब्लॉग बना देते हैं, ठीक है ना, छोटी मछली ले जाएगा। इतने कहत रहे 90 रुपये के प्यासी, कह 90 रुपये मिल ला प्यासी, जब जे बाहर चले जा आइयो ना 90 रुपये मिल जाए, देखे उनका पोखरा के लगा पहुँचा दिया जाए। How respected you are. Good evening to all of you. A time is 3:45. This is Bagauj Fish Market, which falls in Gopalganj district. This place beside canal, due to water flowing anytime, you can buy all type of live fish, very low price. This is number one fish hub center. People say, I'm not saying, I will show you further how to wholesaler or retailer buy from the owner pond to market. And if you want to any inquiry, you can comment to me. You can buy or sell any type of fish. Thank you. If you have a pond, you can sell this number, all type of fish. हाउ क्या रेट में रख रहे हो? पर एक से मार मार कर दे, एक पर एक से मार मार कर दे। अरे जो हम कुछ का
कितना पानी भरे है? मारो जा, मार मार दबा के दोनों हाथ उठा, दोनों हाथ रे, दोनों हाथ उठा, उठा वाला तो दोनों हाथ उठा के मार हो के मार हो को ना मार हो को ना मार हो को मार दो तुम्हारा हो जाओ भाई रे तो वही में उठा ये धो के मार ना रे कितना पानी हो जाओ ना तो दिया था कितना के थी पड़ल तिरपाल बा हौ ओ पासे ऑनलाइन आज ही दिना हां ऑनलाइन का है के मंगाए में सब के करना लग से ले ले कहां से हेलो हां नाम मिल सके तो पता कर ले ना ऑनलाइन में पा जाता है बजरिया में खराब बा चंदवा बाबे 1 किलो सवा किलो के तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पोखरा है, मछली यहीं पे मिलता है। जिनको भी बेचना है या खरीदना है आप इस नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। पोखरा अगर किसी का वो मछली बेचना है 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, 50 क्विंटल आप संपर्क कर सकते हैं। जिनको खरीदना है शादी विवाह में वो भी मतलब इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करें। बोल तो एक जगह का नंबर मांगे तो कहीं रखवा दी रे वो पियासी बारू चंदा बा ग्रास रेहू खाली ज़्यादा मिली मैंने जितना चाहिए जितना मिल जाए ठीक बा। अरे रेहू और नैनी सब रखो उन्हें भाई। बगौच मोड़ पे जिनको ये मछली लेना है ये साइज देख सकते हैं आप लोग, आकर ले लीजिए। मछली आ गया है यहाँ पे नहर पे और बड़ा भी साइज है, 1-2 केजी का अंतर है सभी। ये छोटा साइज में है, देख रहे हैं ना।
अगर भाई किसी को पोखरा में मछली बेचना हो या खरीदना हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि ये पोखरा है, तो यहाँ पे मछली होलसेल खरीदा या बिक्री भी होता है यहाँ पे। तो अगर किसी का पोखरा है, किसी भाई को अगर मछली बेचना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ उस नंबर पे। या ख़रीदना है तो आप बगहुच नहर पे, मतलब आपको सबसे मिनिमम प्राइस में, कम से कम होलसेल में आप लीजिएगा 20-15-10 kg, तो आपको कुछ मछली में पैसा में डिस्काउंट भी हो जाता है, समझ रहे हैं। तो अभी ये मतलब मछली लोड हो रहा है, आपको जिनको ख़रीदना है या बेचना है पोखरा वाले, वो नंबर पे हम कांटेक्ट करिए, हम आपको आपकी मछली ले लेंगे 10-20 क्विंटल, जितना भी मछली आपको बेचना है, ठीक है। थैंक यू। चलिए अपलोडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपलोड हो रहा है, वहाँ पे गाड़ी लगा हुआ है, ठीक है ना। जय हिंद। किसी को ख़रीदना हो, शादी विवाह में मछली ऑर्डर करना हो, कर सकते, जो भी मछली चाहिए आपको मिलेगा बगहुच। छाव हो गई विकास, छाव हो गई टाइमों पर ध्यान दे कह तरह। सूतर हद रे बाबा, चलो बड़ा रोगी ना तनी देखा बड़े 2 किलो के ग्राहक लोग तो देख रहे हैं ना आप लोग कितना मछली यहाँ पे लोडिंग हो रहा है और बगहुच मोड़ पे उतरेगा। जिनको भी पोखरा में मछली को बेचना है या ज़्यादा मछली खरीदना है शादी और पार्टी के लिए, तो आप बर्थडे में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, नंबर है ये, ठीक है ना। मैं मछली नहीं बेचता हूँ, मतलब मैं जनरली यहाँ पे डीलिंग कराने के लिए आता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो यार जाम जाते बूझे हैं यार, दूरी 400 रुपया काल से आगे खोटा था। मोबाइल दे और वो अलग।
चलो परमेंदर है देखो तो परमेंदर पूरा मछली काट दिलो ना स्टेटस डाले लो ना स्टेटस होता है दोनों मिला के डालते नहीं रुक जा स्टेटस भाई इनकर बड़का बड़का लोकेशन के अट्रैक्ट करे वाला काम भाई इनकर देहत रहलो भाई एगो गाड़ी ले रहल हन गड़िया उ भाड़ा पर लेके फोटो उटो बनैले बड़न तो देख सकते हैं आप लोग कि हम भी मछली बनवाते हैं घर पे समझ रहे हैं आप लोग ये वाला है मतलब स्कार्फ वाला है और ये नॉर्मल वाला है तो मतलब मछली मतलब घर पर हम लोग लाते रहते हैं जो अच्छा अच्छा मछली रहता है जो हम ग्रुप में डालते हैं आप लोग उसको भी फॉलो करेंगे जो अच्छा मछली रहेगा हम ग्रुप में सेंड कर देते हैं जिनको आना होगा मतलब धानवा खाती एकदम बढ़िया भाई बढ़िया बाहर काट पर ये जब काटी लोग एकरा के ओए भागो लो पकड़ो ओए ए एक आदमी का दूसरा उठा ले रो आलू भाई जान जे तरफ ऊपर नीचे दोनों एकदम नीचे बराबर बोलिया जलिए तो लंबा करवा दो हां भोकली करवा दो जलिया ए लंबा है महाराज जी लो ए किधर है भाई मारो मार ले हो ए कावन बैठे मारता हूं मैं मार ले जलवा मारता आगे तो कोई कुछ ले लो हां रे ओ जैसे काहे के खींचा तरह ने कहा था वागवा देख ले हम लोग गली गाड़ी ना कोई लो बाबू अरे बोरवा खींच दो कालू अल्लाह सुनी जल्दी हां भैया इन्हें आई रोगा तब आ गए हां बोली बोला के ली लो परसुनी लाग रही है बराबर बराबर खींच बहुत करे खींच बराबर भंगरे सुनो बराबर करे ना भाई रोक जा रोक जा और कैला सुन दे आराम कर लो मिल जाएगी जा गई तो बड़ा जरूरी है लोग बता कर निकाल कर बिना बिना डर जो डर हम भी है ले आओ ना धरो माल बहुत बढ़िया काम चल जाए तो मर जाए चल दिया शाम तक तेरह में पोखरा बाबू
साफ हुई तबे मार खड़ी चैनल बताए लगा जल जलता हूं क्या बस की तो घटना ऊपर ठीक तो कर गया निकला पर उतर गया चप्पल से नहीं कर पड़ी ना एथि प्यासी हाँ आई एगो रूपचंद देवे बाटे एक्स्ट्रा कल से कम भैल में गणास भी है प्यासी भी है छोटा मछली भी है छोटकी गई ले गो एगो भागल तो भागल आगे बढ़ी लेकिन चली हाथ ही छोड़ी एगो भागल तो का करें ओकर जान ले पानी बेसी भर देबे छै यार कनी पानी के बात तय करे ओते को बिहान चल गुए 3 क्विंटल 20 किलो लद ले रहल छ त ई कितना बचे भाई कितना भाई 3 क्विंटल बोल हम दा हला ए चल मन धरला
हाँ वो लेके आओ ना, वो बल्टी जाओ कहीं। हाँ ले आओ ले आओ, तीन गाड़ी सुन बुझे। चार ऐसे कहीं सा। बुर्का पकड़ बुर्का, बुर्का पकड़ बुर्का, बुर्का पकड़। अब वही मच्छी परी कोई कर रहा है, मम्मू आज मच्छी परी पकड़ गए। ऐ मैं जोर बुर्का पकड़। बुर्का लगा मच्छी। घर सारी कर। बाघ मरे तार छोटकी मछरिया पूरा सेल होई, तू काहे आबराइज बड़ो ऑनलाइन चलते। चुप चुप जा रहा है, ऑनलाइन चलते हबलो मत। तो जिनको अभी देख रहे हैं आप लोग, जिनको भी मछली छोटा मछली चाहिए आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो एक मतलब ये भी अभी अभी तो तैयारी चल रहा है, मतलब दो चार पाँच दिन के बाद से आप लोग को मछली यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बाबू अपना नंबर बोल दे तो इन कॉल, जिनको भी मछली लेना है बगौच नहर पे ना जाके आप लोग यहाँ डायरेक्ट यहाँ आ जाइएगा। गौरदी गौरदी भी भाई यहाँ पे बहुत सारा मछली यहाँ पे मिल सका।